हेलो गाइज, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान ट्रेवलर। मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि कांवरिया पथ में क्या क्या तैयारियां की गई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कांवरिया पथ में। मैं पिछला ब्लॉग जो मेरा रहा था वो सुल्तानगंज का रहा था और मैं इस ब्लॉग में यही कवर करूँगा और मैं जितना हो सके कांवरिया पथ दिखाऊँगा आप लोगों को इस ब्लॉग में कि क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं। और आप देख सकते हैं मैं अभी सुल्तानगंज जो रोड है जहाँ से शुरू है कांवरिया पथ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है एक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सुल्तानगंज 0 किलोमीटर जहाँ पे मैं अभी हूँ, उसके बाद असरगंज है 12 किलोमीटर यहाँ से, फिर तारापुर है, तारापुर धर्मशाला जो है वो 20 किलोमीटर, फिर मनिया धर्मशाला है 27 किलोमीटर, कुमरसार धर्मशाला है 33 किलोमीटर, धोरी धर्मशाला है 34 किलोमीटर, जलेबिया धर्मशाला है 43 किलोमीटर, अब रखा है यहाँ से 56 किलोमीटर, कांवड़िया धर्मशाला है 61 किलोमीटर और इनारावरण है 71 किलोमीटर, हरखार धर्मशाला 78 किलोमीटर और देवघर वहाँ से फिर 95 किलोमीटर। मतलब यहाँ से है अभी इस जगह से, ये जो चार्ट दिया गया है वो यहाँ से दिया गया है जितनी दूरी है। और यहाँ से अब देखिए क्या पे लिखा गया है, कच्ची कांवड़िया पथ प्रारंभ, यहीं से प्रारंभ है गाइस। और मैं जितना हो सके कवर करूँगा क्योंकि ये जो बालू दिया गया है वो गंगा नदी जी का बालू है, मतलब गंगा नदी का जो बालू है वो पूरा कांवड़िया पथ में लगाया गया है। तो इधर से गाड़ी जाना तो एक तरफ से असंभव माना जाता है क्योंकि गाड़ी यहाँ पे चलेगा ही नहीं आगे जाके, कहीं कहीं जहाँ पे बालू दबा होगा वहाँ पे गाड़ी चलेगा, बाइक जो है वो चलेगी लेकिन आगे दिक्कत है। इसलिए मैं जो जितना हो सके मेन रोड से जाऊँगा और जहाँ हो सके मेन मेन जो जगह है जो मैं अभी चार्ट में दिखाया है वो कवर करके आपको दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं उसे भी, जो यहाँ नहीं आना चाहते उसे भी, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह ट्रैवलिंग वीडियो और नए नए जगह की जगह पर जा करके अपडेट्स डालते रहता हूं चैनल पर। तो चलिए चलते हैं फिर आगे।